एनआरआई कोटे से एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर राज्य में दिखने लगा है। जिन स्टूडेंट्स ने एनआरआई कोटे का लाभ दूर के रिश्तेदारों के सहारे लिया था, वे अब इसके दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि एक मौका और देंगे, फिर सारे एडमिशन निरस्त कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से जो भारत सरकार के गाइडलाइन में एनआरआई की जो परिभाषा है, चूंकि ये चीज बताना बहुत आवश्यक है कि ये पिछली सरकार ने जो एमसीआई की गाइडलाइन है उसको चेंज करते हुए अपने राज्य में एडमिशन के नए नियम को संशोधित किए थे, और ऐसे ही कई राज्यों ने उसको संशोधित किया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख को पिछले महीने उन्होंने ये फैसला दिया कि इस प्रकार की जो एडमिशन है वो फ्रॉड है, और उसको संज्ञान में लेते हुए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अटॉर्नी जनरल से हमने अभिमत मांगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 24 तारीख के पहले जो एडमिशन है उस पर हम अभी आगामी जब तक कोई कोर्ट स्पष्ट निर्देश नहीं देते हैं हम उसको यथावत रखेंगे, और 24 तारीख या उसके बाद को स्कूटनी करके जो एमसीआई का भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके आधार पर एडमिशन देंगे। तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु आप बता रहे हैं तो अगर स्कूटनी में कोई नहीं आएगा तो उसको एक आध मौका और देंगे, यदि वो नहीं आता है तो हम निश्चित रूप से उसकी जो एडमिशन है उसको निरस्त करेंगे। दूर के रिश्तेदारों को गार्जियन बनाकर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों में हड़कंप मचा है। एनआरआई कोटे से एडमिशन को लेकर छात्रों को आज मोहलत दी गई थी, आज अंतिम दिन है और छात्रों से कहा गया था कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और उसके बाद अपना एडमिशन लें, लेकिन जो तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई थी और छात्रों को बुलाया गया था तो कोई भी छात्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँच रहा है। देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग हॉल है जहां पर छात्रों को आज बुलाया गया था, लेकिन छात्र कोई भी यहां पर नहीं पहुंच रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से छात्र जो है वो बसते नज़र आ रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था स्टूडेंट्स को, क्या स्थिति है सर? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ काउंसलिंग कमेटी के कोई सदस्य नहीं है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के, स्मिथ चिकित्सा महाविद्यालय के ही डॉक्टर्स हैं, और हमें डीन के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है कि आपको संवीक्षा करनी है ऐसे एनआरआई कैंडिडेट्स की जिनकी ऑलरेडी जिनको आवंटित की गई है या जिनको आवंटित होना है, उनके जो भी दस्तावेज हैं उनको संवीक्षा करनी है। सर, छात्र आ रहे हैं यहाँ पर, क्या स्थिति है? छात्र आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बहुत सारे जिज्ञासा है जो कि हम उन जिज्ञासा की खरे नहीं उतर पा रहे क्योंकि हमारे पास भी वैसी जानकारी नहीं है जो कि संचनालय चिकित्सा शिक्षा से आनी चाहिए। तो हम उन्हें संचनालय चिकित्सा शिक्षा के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर उनको कॉल करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ से उनको उचित जानकारी मिले। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर जो काउंसलिंग अधिकारी है जिनका ये कहना है कि आज जो है अंतिम दिन यहाँ पर जो है काउंसलिंग की रखी गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखा गया था, लेकिन यहाँ पर छात्र जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। कैमरा मलकित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS News, रायपुर।